प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 5 का पेज नंबर 26 करेंगे। आओ शुरू करते हैं। चित्र देखकर वाक्य बनाओ। मीन्स बेटा, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनको देखकर आपने क्या करना है, वन लाइन लिखनी है, मीन्स वन वाक्य बनाना है। चित्र में क्या हो रहा है उसको देखकर आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला चित्र देखो, इसमें क्या हो रहा है कि बादल आए हुए हैं और क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या वाक्य बनेगा, बारिश हो रही है। तो लिखो बारिश हो रही है और लास्ट में क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम, बारिश हो रही है। बेटा नेक्स्ट, अगला चित्र क्या है देखो ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, नदी। ये नदी है ना, पानी बह रहा है, तो पानी किस में बहता है, नदी में। नदी बह रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नदी बह रही है, नदी बह रही है। यहाँ पे नदी बह रही है ना। नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट चित्र जो है, पिक्चर है ये, इसमें क्या हो रहा है, एक बंदर है और बंदर क्या खा रहा है, केला खा रहा है। बंदर क्या खा रहा है, केला। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बंदर केला खा रहा है, बंदर केला खा रहा है, बंदर केला खा रहा है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट पिक्चर, अब इसमें ये बॉय है और ये क्या कर रहा है, ये किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है ना, मीन्स पुस्तक पढ़ रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, लड़का पुस्तक या किताब भी लिख सकते हैं बेटा, पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ओके। अब बेटा ये जो चित्र है अगला, इसमें ये किस चीज का चित्र है, ये अंगूर, अंगूर है ना ये, और ये कौन से रंग के हैं, ये हरे रंग के हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंगूर हरे रंग के हैं, अंगूर हरे रंग के हैं, ओके। अब ये क्या है बेटा, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट चित्र किस चीज का है, ये क्या है, माली है और ये क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है ना, फूल तोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माली फूल तोड़ रहा है। माली क्या कर रहा है इसमें बेटा, इस चित्र में माली फूल तोड़ रहा है, तो क्या लिखोगे, माली फूल तोड़ रहा है, ओके।